सो ही गाइस, मैं विश वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आपने अपनी आंखों के सामने कितने रुपए तक की चोरी देखी है? 10 रुपए, 20 रुपए, 1000 रुपए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपए तक। बट हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसी चोरियां भी हुई हैं जिनकी कीमत हमारी सोच से 10 से 12 गुना ज्यादा है सच में। तो वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव चोरियों के बारे में जानने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आज की वीडियो में बने रहना एंड तक। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नंबर 1 पे आती है ग्रेट ट्रेन रॉबरी। तो इसके अंदर ट्रेन में ही लूटपाट हुई थी, इसमें सफर करने वाले लोगों के सामान को चोरी करा गया था और ये इंसिडेंट हुआ था 1963 के अंदर। और इस चोरी के अंदर चोरों को पूरे 3.4 मिलियन यूएस डॉलर्स मिले थे। अगर हम आज के टाइम में इंडियन करेंसी में बात कर लें तो टोटल 26 करोड़ रुपए। नंबर 2 पे आती चोरी फिलीपीन के प्रेसिडेंट की चोरी। तो इसके फॉर्मर प्रेसिडेंट थे फर्नांडो मार्कस, जिन्होंने 5 से 10 मिलियन यूएस डॉलर्स की चोरी करी थी। हुआ ये था कि देश में आने वाला सारा डेवलपमेंट वाला पैसा इन्होंने अपने पास रख लिया था और इस पैसे को उन्होंने फॉरेन बैंक्स में ट्रांसफर कर दिया था और अमेरिका के रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट भी किया था। तो कुछ समय बाद इनके खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए, केसेस भी रजिस्टर हुए और 1989 में जाके पता चलता है कि इनकी हवाई में डेथ हो गई है। तो फिलीपीन की अथॉरिटी ने 5 बिलियन से भी ज्यादा पैसों का रिकवर कर लिया था, बट उससे ज्यादा का अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो नंबर 3 की चोरी है नाइजीरिया की चोरी। तो नाइजीरिया के प्रेसिडेंट थे सानी अबाचा। तो हुआ ये था कि तो इनकी डेथ हार्ट अटैक से हो गई थी 1998 के अंदर और इन्होंने नाइजीरिया के जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उनमें से 3 से 5 बिलियन डॉलर्स के आसपास चुरा लिए थे, मतलब 300 से लेकर 500 करोड़ तक। और मिलियंस में तो कैश इनको मिला था सेंट्रल बैंक से। और किस कारण से? इनको नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स कुछ करने थे। कुछ टाइम बाद पता चल गया इनके बारे में और नाइजीरिया के ऑफिशियल्स बहुत ही छोटा अमाउंट रिक्लेम कर पाए केस करने के बाद। बहुत ही बड़ा पार्ट तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड किसी अनोनिमस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया था जो आज के टाइम पे किसी को नहीं पता है। नंबर 4 पे आते हैं इराक के डिक्टेटर सदाम हुसैन। और उन्होंने अपने बेटे को एक हैंड रिटन नोट दिया था और उस नोट के अंदर वहां के बैंक गवर्नमेंट के लिए कुछ लिखा हुआ था। उसके बेटे को 920 मिलियन डॉलर्स हैंड ओवर कर दिए जाए, मतलब 71 अरब इंडियन रुपीज में। और ये पैसा इनको इजिली मिल भी गया था क्योंकि ये वहां के डिक्टेटर थे। फिर वहां से रफू चक्कर भी हो गई है, मतलब ये साबित हो जाता है कि पहले के लोग भी बहुत ज्यादा नशा करते थे। तो नंबर 5 पे आते हैं यूके बॉन्ड्स। तो जो शेयर मार्केट्स के अंदर है तो उनको बॉन्ड्स के बारे में पता हो गई कि बॉन्ड्स होते क्या है। तो ये बात है 2 मई 1990 की, बज रहे थे 9:30 सुबह के। एक जॉन गॉडरेट थे जो सड़क पे चल रहे थे और उनके पास एक ब्रीफ केस था। तो एक आदमी आता है उनको चाकू दिखा के उनका ब्रीफ केस चुरा के ले जाता है और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रीफ केस चोरी थी क्योंकि उस ब्रीफ केस के अंदर 292 मिलियन पाउंड्स के यूके के बॉन्ड्स रखे हुए थे और इसको इजीली कैश भी कराया जा सकता था और इसकी एट द एंड कीमत होती 27 अरब। क्या कहां से आते हैं ये? तो आपको जान के कैसा लगा कि वर्ल्ड में इतनी महंगी महंगी चोरियां भी हुई हैं और आपने कितने रुपए की चोरी की है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड बाय।